हमारे देश में कई हिस्सों में ठंड और शीत लहर चल रही है और कहीं कहीं पर तो इतना घना कोहरा है जिसमें आने जाने में लोगों को बहुत ही कठिनाइयां हो रही हैं। एक सामान्य जीवन को जीने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कर रहे हैं। आवागमन के साधनों में बहुत ही व्यवधान पैदा हो रहा है, चाहे वो वायु सेवा हो, रेल सेवा हो, सड़क सेवा हो, हर सेवा इस समय एक मुश्किल में चल रही है। सभी लोग बड़े ही सुरक्षित होकर आवागमन कर रहे हैं और हर तरह से अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रख रहे हैं। फिर भी इस मौसम में सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क और सजग रहना है। अपनी जो भी दिनचर्या है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी दवाइयाँ अन्य चीज़ों का डॉक्टरों के माध्यम से परामर्श मिला है उसका समुचित रूप से समय समय पर पालन करना चाहिए। इस प्रकृति के जो रूप में ये ठंड और शीत लहर और कोहरा मिल रहा है, इससे हम सब लोगों को बड़े ही सहयोग के साथ संघर्ष करके अपने जीवन यापन में कार्य करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात याद रखें कि सतर्कता, जागरूकता और हमारे अपनी दिनचर्या को अगर आप दुरुस्त रखेंगे तो ये मौसम सर्दी का आप आराम से काट ले जाएंगे। आप सब लोगों से यही विनती और उम्मीद है कि इस प्रकृति के बदले हुए प्रकोप को, जो बदला हुआ रूप है, उस प्रकोप को आप उसका एक उपहार मानते हुए खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ इससे समझौता करके आगे चलेंगे और इस सर्दी को आप बड़े आराम से निभाते हुए चलकर अपने देश की सेवा में लगकर सबको यही संदेश देंगे कि सतर्क रहें, सजग रहें और इस शीत लहर में कोई भी लापरवाही ना करें। राजेश गुप्ता, ACCF, नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।